मेरा ऐसा मानना है कि पंजाब सरकार का ये जो स्टेप है सिक्योरिटी वापस लेने का, एकदम ये गलत मानता हूँ इसको मैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो सिक्योरिटी मिलती है उसका जो थ्रेट परसेप्शन होता है उसकी जांच होती है तब उसको सिक्योरिटी मिलती है। यानी देखिए ना, एक दिन वो सिक्योरिटी वापस ली, जिस आदमी को 12-15 लोग सिक्योरिटी के मिले हुए थे वो लोग छोड़ करके बाकी सब ले लिए अगले दिन, क्योंकि ऐसे जो थ्रेट परसेप्शन जिनका होता है उनके ऊपर तो लोग निशाना बना करके रखते हैं, अगले दिन उनकी हत्या हो गई है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि ये स्टेप इनका बहुत गलत था और इनको हर एक जो पहले से सिक्योरिटी जिसको हुई है अगर इनको ऐसे कोई कदम उठाना ही था तो अपनी पुलिस के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से उनका थ्रेट परसेप्शन का दोबारा से मूल्यांकन होना चाहिए था। अगर किसी को थ्रेट परसेप्शन नहीं है उसकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए, लेकिन थ्रेट परसेप्शन किसी का है तो सिक्योरिटी उसका अधिकार है। तो ये किसी की भी इस प्रकार से इन वन को सब सिक्योरिटी वापस लेना, ये मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, निंदनीय कार्य। कुछ बातें टाली जा सकती थी, नहीं टली है, फिर भी घर के अंदर की बात है उसको ठीक है। ये सरकार के विषय नहीं होता, ये पार्टियों के विषय होता है। सरकार का गठबंधन था, है और चलेगा। पार्टियों के जो विषय होते हैं वो पार्टियां अपने लेवल पर विचार करती हैं, उस पार्टी को सरकार के गठबंधन के हिसाब से चल भी पड़ती है, नहीं भी चलती है। ऐसा ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि सरकारें हमारी गठबंधन में रही हैं लेकिन पार्टियों ने जनता के साथ जैसा भी जनमत होता है उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग पहले भी लड़ाई पहले नहीं, पार्टियों का गठबंधन कभी हुआ भी नहीं, सरकार का गठबंधन हुआ तो वो चल रहा चला।